बात करेंगे दिल्ली में पानी पर छिड़ी महाभारत की। एक समय ऐसा था कि दिल्ली में महाभारत छिड़ी थी कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और अब हालात यह है दिल्ली में पहली बारिश में ही कि जगह जगह पानी भर गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि कारें डूब गई हैं, लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पहली बारिश में ही घुटने तक, कई जगहों पर घुटने तक तो कई जगह कमर तक पानी भर गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए कि पहले यानी अभी 2 से 3 दिन पहले जल संकट के बीच कैसे लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे थे। टैंकर आते थे पानी के, लेकिन लोगों तक पानी सही समय पर उचित मात्रा में पहुंच नहीं पाता था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर थे, सांसद सड़कों पर थे, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें सवाल केवल आम आदमी पार्टी से ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव वो तो बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 2003-2004 में इस एयरपोर्ट के छत का निर्माण करवाया था, और भ्रष्टाचार वाली कंपनी यानी वो कंपनी जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने लापरवाही की, उसको ठेका दे दिया गया और उसने दिल्ली की हालत या यूं कहें कि इस टर्मिनल 1 की हालत खराब कर दी है। लेकिन आज दिल्ली में अलग अलग जगह पर स्थिति क्या है ये आपको दिखा दूं मैं। ये लुटियन जोन दिल्ली में कैसे दरिया जैसे हालात हैं, ये आप समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव को देख रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मैंने एनडीएमसी से बात की थी। दरअसल एनडीएमसी क्योंकि बीजेपी के अंदर में आता है, इसलिए उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के अधिकारियों से बात की लेकिन कोई स्थिति नहीं सुधरी, मेरे बातों को सुना भी नहीं गया। वहीं शशि थरूर ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप देखिए ये आजाद मार्केट की तस्वीर है जहां अंडर पास में बस फंस गई है, लोगों को रस्सी से बाहर निकाल के लाया जा रहा है कि किसी तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जाए। ये रेस्क्यू वाली स्थिति ही है। ये आपको आजाद मार्केट ने बाहर की तस्वीर दिखाई मैंने, अब आपको ये अंदर की तस्वीर दिखा रही। यात्री बैठे हुए हैं इस बस में, बाकायदा यात्री बैठे हैं इस बस में, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पानी इतना ना भर जाए कहीं कि उनको लिए दिक्कत हो जाए। बस के अंदर तक पानी भर गया, ये स्थिति देखिए दिल्ली की। ये दिल्ली के आईटीएच चौराहे की तस्वीर है, ये ड्रोन तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं, मेट्रो और उसके नीचे की तस्वीर, पूरा पुल कैसे जाम पैक है ट्रैफिक की वजह से, वहीं पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ियों को चलने में मुश्किलें हो रही हैं, लोग अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए घंटों फंसे होने के बाद। और ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस की तस्वीर है। ये दिल्ली का दिल इसलिए कहा जाता है कि जो लोग आते हैं दिल्ली की खूबसूरती देखने के लिए पहले यहीं पर आते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल की हालत देख लीजिए क्या है। यहाँ चप्पल पहनकर लोग चल रहे हैं लेकिन चलना मुश्किल हो रहा है, और जब पानी अब उतर गया है तो कीचड़ इतना ज्यादा है, किसी तरीके से पानी को निकाल लिया गया है तो कीचड़ इतना ज्यादा है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिस पर राजनीति हो रही है, और वो ये है दिल्ली में आईजीआई टर्मिनल 1 की छत गिर गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कार गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, वो गाड़ियां भी इस छत की चपेट में आ गई हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए सरकार पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर लापरवाही क्यों, जबकि सरकार ये कह रही है कि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ था उस वक्त लापरवाही हुई थी इसलिए ये छत गिरी है, और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ठेका दिया था उस कंपनी को जो भ्रष्टाचार में डूबी है, उसे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने तो जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी थी उसने अपना काम अच्छा किया था, लेकिन लापरवाही उस वक्त यानी यूपीए सरकार की रही थी जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि एनडीए की सरकार ये कह रही है कि भाई ये काम उनका था जिन लोगों ने इसको बनवाया था। अब कांग्रेस के नेता हमलावर हैं इस छत गिरने को लेकर कि अगर हमने बनवा दिया तो रखरखाव का काम तो आपका था, रखरखाव की जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपको इसे देखना चाहिए था क्या स्थिति है। अब आपको मैं बताती हूँ कि दिल्ली किस तरह लाचार है, और सवाल ये उठ रहा है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर कोई इस पाले से गेंद निकाल के दूसरे पाले में डालने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहली बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है, दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा है, मैंने तस्वीर आपको दिखा दी, एक दो नहीं दिल्ली के लगभग वीआईपी इलाकों में तक पानी भर गया है। इस वक्त मिंटो रोड, आजाद पार्क, कनॉट प्लेस जहां तस्वीर मैंने आपको दिखाई, बस के बाहर पानी, बस के अंदर पानी भरा हुआ है। लुटियन जोन में भी जगह जगह जल जमाव है। राम गोपाल यादव बता रहे हैं क्या स्थिति है, वही शशि थरूर बता रहे हैं कैसे मोटर का इस्तेमाल करके पानी को निकाला गया। दिल्ली में जल जमाव पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन जनता किसके पास जाए, जनता किससे गुहार लगाए, ये सवाल है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है, दिल्ली की जनता का बुरा हाल है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी नींद में सो रही है। आम
आम आदमी पार्टी की सरकार नींद में सोई है, बीजेपी कह रही है। और आम आदमी पार्टी का बीजेपी के आरोप पर पलटवार है। वो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ सियासत करती है, दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है, और जल्दी दिल्ली की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछले साल से अभी सबक नहीं लिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने, एमसीडी ने, जो हालात पहली बारिश में हो गए हैं। अभी दो महीने बारिश अगर ऐसी होती रही तो दिल्ली कितनी डूब जाएगी, लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी, इसी पर आज चर्चा होगी।